हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम देखेंगे अपना सिलेबस कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है आपके इस साल। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिलीटेड पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, 2021 में क्या क्या हटाया गया है। ठीक है, 2020-21 में देखिए कि 11th क्लास में यहाँ देखते हैं हम चैप्टर कौन कौन से हटा दिए गए हैं। तो देखिए, जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसमें तीसरा चैप्टर जो डिस्कवरिंग टर्क द सीज कंटिन्यूस, ये हटा दिया है। फोर्थ चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। सिक्स्थ चैप्टर वो हटा दिया गया है, द ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, और पोइम भी हटा दी गई है, द लेब्रियनम टॉप। ठीक है, और जो आपकी दूसरी बुक है जो कि है स्नैपशॉट्स, उसमें से हटाया गया है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और बर्थ, ये हटा दिए गए दोनों चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हटाए गए दो चैप्टर, इसमें तीन चैप्टर हटाए गए आपके हॉर्नबिल जो कि फर्स्ट बुक है उसमें, और एक पोइम हटा दी गई है। ठीक है, अब बाकी का सिलेबस कैसे है वो पूरा डिटेल में देखते हैं हम, क्या क्या है, कैसे आएगा। ठीक है, हमको अभी इसी के अनुसार ही तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार है सिलेबस। तैयारी बिल्कुल आपकी ऐसे ही होनी चाहिए अभी जैसा कि सिलेबस जारी हुआ है। ठीक है ना, कि आपके मार्क्स क्या है, 100 मार्क्स का होगा जिसमें रीडिंग रीडिंग के होंगे 20 मार्क्स जिसमें पैसेज आएंगे, राइटिंग जिसका होगा 30 मार्क्स, राइटिंग मतलब उसमें ऐसे हो गया, लेटर हो गया, ये राइटिंग करना 30 मार्क्स का, ग्रामर है आपके 20 मार्क्स की, और टेक्स्चुअल क्वेश्चंस यानी आपकी जो बुक है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स उनमें से क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, अब इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि ये किस प्रकार आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीडिंग रीडिंग जो कि आपके कितने हैं, 20 नंबर की है, उसमें क्या आएगा वो देखते हैं। टू अनसीन पैसेजेस, तो अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज का मतलब जो आपके बुक में नहीं होंगे। ठीक है ना, वो 350 वर्ड के होंगे दोनों ही। ठीक है, और उसमें क्या क्या होगा समझने के लिए क्या होगा। बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, लेक्सिकल आइटम्स शुड ऑल्सो बी टेस्टेड। उसमें कॉम्प्रिहेंशन समझने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेक्सिकल आइटम शाब्दिक ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपका टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, पूछे जाएंगे। फिर आपके राइटिंग एरिया आता है जो कि होता है आपके 30 नंबर का। ठीक है ना, उसमें कैसे सवाल आएंगे, क्या आएंगे वो देखते हैं। वन आउट ऑफ टू टास्क, मतलब दो काम में से एक करना है। क्या हो सकते हैं वो काम, एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी, किसी का वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है किसी इवेंट घटना का, इंसिडेंट कोई घटना हो गई कोई, या फिर आपके हो गया प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट्स 100 to 120 वर्ड्स, जिसके हिंट दिए हुए होंगे आपको और आपको 100 से 120 शब्दों में उसका वर्णन करना है। ठीक है, वो आएगा आपके 10 मार्क्स का। उसके बाद में सेकेंड है वन आउट ऑफ टू कंपोजिशन, मतलब दो कंपोजिशन आएगी उनमें से आपको एक करनी होगी। उस कंपोजिशन में क्या हो सकता है, कोई आर्टिकल लिखना हो सकता है किसी के बारे में, किसी की रिपोर्ट हो सकती है, और स्पीच हो सकती है, कोई स्पीच देनी हो सकती है। ठीक है ना, वो लगभग कितनी होनी चाहिए, वो भी 100 से 120 शब्दों में देनी है आपको, मतलब 100 to 120 वर्ड्स में आपको वो स्पीच देनी है, वो भी आपके 10 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे जो होंगे मार्क्स, 10 मार्क्स, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो हैं वन आउट ऑफ टू लेटर्स, कोई दो लेटर आएंगे उनमें से आपको एक लेटर करना है। लेटर कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर इंक्वायरीज। ठीक है, बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर हो सकता है जिसमें किसी की पूछताछ हो, कंप्लेंट्स शिकायत हो, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्डर एट्सेट्रा और। ठीक है, तो क्या हो सकता है, प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी आदमी के लिए। ठीक है, कुछ पूछा जा सकता है, कंप्लेंट हो सकती है और इंक्वायरी हो सकती है पूछताछ वाले, ऐसे दो लेटर आएंगे उनमें से आपको एक करना पड़ेगा। ठीक है, लेटर क्या हो सकता है, लेटर टू द स्कूल अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग एडमिशन, लेटर हो सकता है स्कूल को लिखना, स्कूल की जो अथॉरिटी उसको लिखना है किसके संबंध में, एडमिशन लेने के या स्कूल के विषय में हो सकता है, और रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज हो सकता है, कोर्स क्या क्या है इनके बारे में जानकारी लेना हो सकता है। ठीक है, ये आपके होंगे 10 मार्क्स के।
इसका मतलब आपकी जो राइटिंग होगी वो होगी 30 नंबर की पूरी, जिसमें आपको एक तो इवेंट या घटना का वर्णन करना वो 10 नंबर का, 10 नंबर के आपको कोई पैसेज लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट या स्पीच या आर्टिकल, हिंट दिए जाएंगे, ठीक है। और एक जो आपके होगा लेटर आएंगे दो, उनमें से आपको कोई एक करना है। लेटर कैसे हो सकते हैं हमने ये डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगला देखिए कैसे बांटा हुआ है, अगले आपके ग्रामर, हालांकि ये सारे जो पोर्शन है ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ग्रामर हो गई बुक, सारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रामर में देखिए क्या क्या है, 20 मार्क्स की होगी, 20 नंबर की, ठीक है, जिसमें 7 मार्क्स के होंगे डिटरमाइनर्स, और टेंसेज होंगे 6 नंबर के, मॉडल्स होंगे 7 नंबर के, और टोटल मिला के होंगे 20 नंबर, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, डिटरमाइनर्स है 7, 6 टेंसेज और 7 मार्क्स हैं मॉडल्स के, ठीक है। इस प्रकार ये हैं। फिर देखिए आपके हैं टेक्स्ट बुक्स, मतलब आपकी जो किताब है उनमें से 30 मार्क्स की है, ठीक है। अब 30 मार्क्स कैसे बांटे हुए, देखो 20 मार्क्स तो वो फर्स्ट बुक है आपकी, वो है, ठीक है ना, जिसमें प्रोज, प्रोज के सेक्शन से 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट, मतलब कोई दो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक आपको करना, वो होगा 6 मार्क्स का, ठीक है। और 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 10 से 15 शब्दों में आपको आंसर देने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मतलब कि 6 बड़े क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 4 आपको करने हैं 1 1 मार्क्स के, ठीक है। और पोइट्री सेक्शन है उसके अंदर क्या करना है, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोइम्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको 2 बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पोइट्री सेक्शन से जो पोइम्स है ना उनमें से आपको कोई एक करना है 2 में से, वो होगा 4 नंबर का। और उनमें बड़े बड़े मतलब जिनकी शब्द सीमा तो 10 से 15 ही है, लेकिन वो 6 4 सवाल आएंगे, 4 में से आपको 3 करने हैं, और 3 के नंबर 6 हैं, मतलब पर सवाल है ना आपको 2 नंबर का है, ठीक है। ये इस प्रकार तो आपकी फर्स्ट बुक है। दूसरी जो आपके हैं स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ऐसे हैं, स्नैपशॉट्स में क्या होगा, 1 out of 2 क्वेश्चन टू टेस्ट द एवेल्यूएशन ऑफ करेक्टर्स इवेंट्स एंड एपिसोड्स इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स, मतलब इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको एक करना है, वो होगा 6 मार्क्स का, ठीक है। और 2 out of 3 क्वेश्चन शॉर्ट, छोटे क्वेश्चन आएंगे जो 30 से 40 शब्दों में आपको उनका उत्तर देना है, वो 4 नंबर के होंगे, मतलब आपको 2 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, 3 आएंगे आप चूज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो अगर आपको ये सारा सिलेबस अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।